तो गाइज आज ये है बाप बेटे की जुगल जोड़ी, दोनों ने सेम पहने। पहले हर्षित ने पहना और फिर कह रहे पापा आप भी यही वाला सेम टू सेम कुर्ता पहनो। और देखो दोनों बाप बेटे की जो, ओ हो भाई साहब, ओ हो। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल विनीता वर्मा ग्लोर। सब कैसे हो, आई होप सब अच्छे हो स्वस्थ हो। और गाइज मैंने अब नहाई हूँ और हेयर वॉश किया है और आज है संडे, तो संडे को तो सारे काम लेट होते हैं। ये सोई मैं रात को 2:30 बजे एडिटिंग करके ब्लॉग की, तो 2:30 बजे सोई। तो सुबह स्कूल जाना नहीं था हर्षित को, तो मैं उठी हूँ कितने बजे, 10 बजे उठी हूँ। मैं सही झूठी बोलूँगी, मैं सच्ची बोलूँगी, जो कहूँगी सच बोलूँगी, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूँगी। उठी 10 बजे हर्षित, नहीं 10:45 बजे उठी और 10 बजे हर्षित को उठाया और फिर उसके बाद फटाफट काम करें सारे। और अब देखते हैं नाश्ता क्या बनाना है। बाय पापा जी। और चाय दूध तो हम पी चुके हैं, मतलब चाय मैंने, दूध इसने, अगर दोनों चीज़ नहीं। और करते अब देखते हैं क्या बनाना है। तो गाइस जा जाए हमारे कनाक प्रेस के राजा चावल, ये इसी में मिक्स कर दूं क्या? हाँ जी हाँ। मिक्स कर दूं सारे वो कर दे इसको। तो गाइस जाजी लेके आए कनाक प्लेस के राजमा चावल और बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपने खाए नहीं खाए एक बार बताना जरूर मुझे, लेकिन वहाँ जो टेस्ट होता है ना वो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिस है। पापड़ है इसमें? अच्छा पापड़ है, दही नहीं थी, दही मैंने रख लिया। जो टेस्ट वहाँ आता है ना, तो सारी चीजें उसने अलग अलग दी है। गाइज मैंने डिसाइड, मैं रोज करती हूँ कि मैं ना मीठा छोड़ूंगी, मैं डाइटिंग करूंगी, बट कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँ? देखो एक पेप्सी ला के रखेंगे घर में, मीठा आइसक्रीम ला के घर में रखेंगे, अब कंट्रोल होता नहीं तो क्या ही करो। ये कहते हैं आइसक्रीम जमा दे, मैं कहा मैं जमाऊंगी ही नहीं, अब ना होगी ना मैं खाऊंगी। अरे देखो कितना जुल्म है ना मेरे ऊपर, मैं पहले आइसक्रीम बनाऊँ है फिर जमाऊँ और फिर खाऊँ भी नहीं, इनको बार बार दूँ, तो गाइज इतना कंट्रोल नहीं होता। अब क्या करूँ, चाहती भी हूँ कि वेट लॉस करूँ लेकिन ना होता नहीं, हो भी जाए तो, लेकिन ये दुश्मन जमाना। देखो पेप्सी की बॉटल रखी है घर में, मीठा रखा हुआ है, मैं मीठा वैसे खाती नहीं हूँ, सारा मीठा नहीं खाती मैं, कुछ कुछ चीज़ें आइसक्रीम अच्छी लगती है मुझे बस, और कुछ वैसे भी मीठा मैं खाती नहीं हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें आइसक्रीम और क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ही नुकसान करती है, आपको पता होगा जो, और मुझे भी पता है वैसे तो, और फिर भी देखो मैं छोड़ नहीं पाती। और ये कल कभी आता ही नहीं, कल से करूँगी कल से करूँगी, कल तो आज में परिवर्तन हो जाता है और कल तो कभी आया ही नहीं गाइज। जो होता है वो आज होता है, और आज पे हमारा कंट्रोल नहीं है तो कुछ भी नहीं है फिर। मैं तो प्रवचन क्यों दे रही हूँ, अपने लिए दे रही हूँ गाइज मैं। होता ही नहीं कंट्रोल, क्या करूँ मैं यार। क्या हुआ? कह रहा अनुपमा हूँ आप। अनुपमा तो बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। हर्षित इस पेप्सी पीने के बाद हाँ पहले बोल मेरी डाइटिंग शुरू, बस कौन ये पेप्सी। मजाक करते हो, मजाक मत करो। नहीं यार मैं देख अब रात का खाना छोड़ूंगी, मैं रात का खाना छोड़ूंगी। ताई जी ने भी छोड़ दिया ना, नील ताई जी ने, एक दो दिन लगेगा। ये मोह माया के धागे में सामने कुछ मत लाना बस। आइसक्रीम और चाव खपला देंगे। नहीं यार नहीं, और इस हफ्ते तो गाइस इतनी पार्टी खाई, इतनी पार्टी खाई है, आपने भी देखा होगा रोज सही हो गया है। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मामा को बर्थडे से। हाँ मामा के बर्थडे से हुई थी, मामा को बर्थडे, फिर गोलू भैया का खाना करा है, फिर ओम भैया का है ना, फिर नानू नानी की एनिवर्सरी, फिर नीचे भाई सब ने बनाया था खाना, मतलब 6-7 दिन में ये लगा लो। एक बार ताऊ जी आए थे, ताऊ जी आए थे उस दिन पनीर बना, ताऊ जी आए थे है ना, पनीर बनाया था हमने, कौन सा पनीर बनाया था उस दिन भी पार्टी हुई थी, रात को फिर आइसक्रीम भी खाई थी, कढ़ाई पनीर आइसक्रीम भैया बस। वो कुछ ना कुछ ऐसे हो जा रहे हैं ना, मतलब और वेट बढ़ता ही जा रहा है, लॉस नहीं हो रहा, लेकिन कंट्रोल तो हमें खुद पे ही करना चाहिए, दूसरों पे नहीं कर सकते गाइस। जो भी बात है जो सच्चाई है, जब से हम अपने मन को मजबूत नहीं करेंगे। अब क्या करूँ, जो बनाता ना उसको कंट्रोल नहीं होता, देख के तो कंट्रोल हो जाता है कि वो खा रहा है मुझे नहीं खाना, लेकिन जो बनाता है उसको कंट्रोल कैसे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा सही में। और ये दोनों मानेंगे नहीं, ना मीठा खाए बिना ना पेप्सी पिए बिना। अब पेप्सी हम ला के रखते हैं कि चल किसी आए गए के लिए, गर्मी है और आया गया तो भाई, जब आया गया होता है ना तो मिलती ही नहीं है, ये तो छू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं ही पीती हूँ गाइज, मैं क्यों झूठ बोलूँ, सबसे ज़्यादा गाइज मैं ही पीती हूँ। मुझे पता नहीं कि रात को सोते सोते मैं तो पसीने पसीने हो जाऊँगी, घबराहट होगी कि
कुछ मिल जाए मुझे ठंडी ठंडी चीज, तो यही होता है कि चाहे मैं दो घूट पीऊंगी और पी के फिर सो जाऊंगी, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मेरी घबराहट होती है बहुत ज़्यादा वाली, मतलब मेरी आँख खुल जाती है और पसीनों पसीन हो जाती हूँ, उठ के फिर दो घूट मैं पेप्सी पीऊंगी या कुछ भी ठंडा सा, नहीं तो फिर ऑप्शन पानी है पेप्सी ना हो तो। तो चलो गए, वैसे सोच रही हूँ आज से शुरू कर दूँ, आज का खाना अवॉइड करूँ, दो चार दिन लगेगी भूख, ठीक है तो करते जो काम करते हैं आज से, लेकिन पहले पेप्सी। क्या कह रहा है? ना परमिशन देके लास्ट में बोल रहे पहले पेप्सी। मैंने कहा तो सही, मुंह माया के धागे दे छूटते। सबसे पहले मेरे लिए पेप्सी है, वाह। अब सामने में गिलास में डाल ली भाई, तो उसे पीनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि तेरा वजन भी बढ़े जो तूने मुश्किल से घटाया है, नहीं है पता ही गिलास में डाल गया, अन्न का पानी का अपमान होता है ये फेंकना। मुझे दे दो, मैं फेंकूंगा ही नहीं। तो पापा को आधी दो, आधी मुझे दो। तो सच में पापा पे भी अत्याचार नहीं कर सकती ना मैं? या एक्स्ट्रा दे, मैं कोई यकीन नहीं रहा, हम तो पी जा रहे बस। वो तुम दोनों का ही मुझे ही देखना पड़ेगा ना, इसलिए। तो गाइस जी, हमारे ये मिल्क मेड रखा है और हमें पता ही नहीं कि इसके क्या यूज़ करते हैं, बट हम सोचते हैं आज आइसक्रीम बना ही डालें इसकी, क्योंकि नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा, फ्रिज में रखा था। और अब चलो आज ट्राई करते हैं आइसक्रीम इसकी, खुला सारा निकल भी गया है यहाँ से, देखो। चलते हैं और ट्राई करते हैं आइसक्रीम मिल्क मेड। मैं ढूंढ रही थी यूट्यूब पे कि आइसक्रीम कैसे बनाएं मिल्क मेड से, लेकिन मुझे कहीं समझ में नहीं आई, किसी में व्हिपिंग क्रीम डालनी है, किसी में कुछ डालना है, तो जो घर में इंग्रेडिएंट्स है मैं सोच रही हूँ उसी से बना डालूँ, कुछ बाजार से ना लेके आऊँ। तो मैं अब अपनी रेसिपी अपनाती हूँ और अपने तरीके से बना कर देती हूँ, जैसे बनी ऐसे ठीक। अभी फ़िलहाल तो हर्षित के बनाने कॉर्न, स्वीट कॉर्न है, और यह दूध उबाल लिया है मैंने। तो गाइस इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा येलो कलर, और निकाला मैंने अरारोट, थोड़ा सा अरारोट दूध में मिक्स करके इसमें डालने वाली हूँ, लेकिन 10 मिनट पहले थोड़ा सा गरम हो जाए, मतलब गरम तो है, मतलब 5 या 10 मिनट इसको बॉइल करती हूँ मध्य आंच पे। तो गाइस देखिए आइसक्रीम का बैटर बन के रेडी है, बस इसमें ना कुछ भी नहीं डाला है, मिल्क में डाला है थोड़ा सा, और डाला है थोड़ा सा अरारोट, और हाँ कलर डाला थोड़ा सा येलो। अब ठंडी हो जाए तो इसको ना एक बार ग्राइंडर करके लाइट हो जाएगी ना थोड़ी सी, तो फिर जमा दूंगी। आपने अभी शाम को खाए में मैंने कब कहा है कि मैं खाऊंगी इसको? आपने कहा, मैंने कहा मैं मीठा नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने कब ये कहा कि मैं ये खाऊंगी? पापा के लिए जमा रही हूँ, पक्का नहीं खाऊंगी। हाँ पक्का नहीं खाऊंगी। इसने बनाया अपने कॉर्न, टेस्ट तो करके देखूंगी, जब इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनाऊंगी तो थोड़ा टेस्ट तो करूंगी ना कैसी बनाई है मैंने। और गाइस से मैंने चीनी भी नहीं डाली, मिल्क मेड से ही मीठा हो गया। टेस्ट एक बार खाना तो चार बाइट खा जाते हैं फिर। तो गाइस ये फाइनली ठंडी हो गई है, और इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंडर करके और जमाऊंगी पतली पतली लेयर में, ताकि ना ये जितनी ठीक और मोटी होगी ना तो बहुत टाइम लगेगा जमने में, तो सोच रही हूँ 12 बजे तक जम जाए तो एजी वजी खा लें। और थोड़ी सी इसमें है पतली ले लेयर, जितनी करूँगी ना तो जल्दी जमेगी, और जितनी मोटी है मैं ये वैसे तो एक ही डिब्बे में आ जाती, बट मैंने इसलिए जमाई कि कल तक जमेगी। वाओ। और मुझ पर ना फॉइल पेपर नहीं है, क्योंकि फॉइल पेपर का यूज करते नहीं, अब हम बटर पेपर का यूज करते हैं। अगर फॉइल पेपर होता ना इस पे, इस ढक्कन से पहले ना फॉइल पेपर चढ़ाती मैं, ताकि वो जो बर्फ है ना इस पे ना जम के खाली आइसक्रीम की ही आइसक्रीम जमे। तो इसमें वो लगा देना कौन सा वो पेपर था, बटर कौन? वो तो कागज होता है ना, वो तो चलो कोई बात। ला दूं मैं इसके लिए तो? अच्छा इसके लिए मैं फालतू के पैसे खर्च करूंगी। तो गाइस मस्त खाना बन के रेडी हो चुका है, और जल्दी खा रहे हैं खाना आज, क्योंकि इनको कहीं जाना है, तो अभी तो 9:15 ही बजे है। और बनाए मैंने आज दाल चावल, और मैं सिर्फ ये खाने वाली हूँ, मेरी डाइटिंग स्टार्ट है आज से। इतना जोक थोड़ी ना मारते हैं सैलेड में। सैलेड खाऊंगी, और ये रही हमारी स्वादिष्ट स्वादिष्ट दाल। दाल वाओ, मम्मी के मुंह में पानी आ रहा है इसे देख के। छूट नहीं।
भाई देखो आज मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं देखो यही खा रही हूँ, एक प्लेट एक खीरा ही काटा है, ओनली वन खीरा, कोई बात नहीं। ये देखो भैया जी ललचा रहा है पागल, और मैं सिर्फ ही खीरा ही खाऊंगी, मैं आधा खा चुकी हूँ। दाल कितनी स्वाद है आज, मैंने बनाई है, अलग ही टेस्ट आ रहा है, मैंने ही बनाई है। गाइस मस्त आइसक्रीम बन के रेडी है, ये देखिए टेस्ट नहीं करनी थोड़ी सी तो टेस्ट करूंगी, तू बता टेस्ट कर ली। नहीं ना अभी नहीं करी। अच्छा ये क्या यूं तेल लिए, मतलब कोई भलाई का जमाना ही नहीं है, हैं कर लिया आप अभी तो कर मीठा खाती आ मुझे तो खिलाओ। ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई मैंने कभी भी घर की, झूठ आ मत करिए, झूठ वाला मत करिए, आ लेकिन अभी सारी जमी नहीं, जो छोटे डिब्बे में थी थोड़ी सी थी वही जमी, और मैंने टेस्ट करी और कंट्रोल हुआ नहीं, फिर भी मैंने 2-3 चम्मच तो खाई ली क्योंकि थी थोड़ी अभी और सारी जमी नहीं अभी, और बस थोड़ी सी ट्रायल ही करके देखा था हमने। तो गाइज बस यही है कि ज्ञान ज्यादा मत दो किसी को, अपने ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल होता ही नहीं, क्या करूँ मैं रोज सोचती हूँ आज नहीं यार। और देखो आज मैंने खाना भी नहीं खाया, खाना मैंने वाकई में नहीं खाया, मैंने खीरा खाया और मुझे भूख लगी बहुत तेज से, लेकिन आइसक्रीम देख के तो मेरा मन पिघल गया, आइसक्रीम मेल्ट हुई नहीं हुई, मेरा मन मेल्ट हो गया। हाँ ये कंट्रोल भी नहीं था, कंट्रोल भी था, कंट्रोल क्या फायदा, ये आइसक्रीम खत्म हो जाए फर्शू धीरे धीरे खाएंगे, एक महीने से बाय बाय, ये गलत है, अभी एक महीने सुनाएंगे फिर हम बोल जाएंगे चोको बार वोको बार, मतलब तुम अपना फैट बढ़ाना है फिर दोबारा तुम्हें बढ़ाना है अपना, नहीं बढ़ाना फिर बस, तो फिर कोई नहीं खाएगा हम ऐसे। चलो गाइस इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, अगर हमारे वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो को कैसे लगे, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।